तो फ्रेंड्स, तो काफी बड़ा फॉल हम लोग को लूना क्लासिक और यूएसटीसी में देखने को मिल रहा है। क्या रीजन इतना ज्यादा फॉल होने का, प्राइस कितना तक नीचे जा सकता, कहां पे आपको सेल करनी चाहिए, कहां पे आपको बाय करनी चाहिए, सभी कुछ डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ लूना क्लासिक रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे फॉल होने का वो है 150 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हो चुका है क्रिप्टो मार्केट से इन पास 45 मिनट्स। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे 150 मिलियन डॉलर जो है क्रिप्टो मार्केट से निकल गई है। और यहाँ पे देखोगे तो लूना क्लासिक में डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जहां पे 0.3024 की सीरीज में कल के दिन में लूना क्लासिक ट्रेड करती, जिसका ऑल टाइम हाई भी देखोगे तो 0.3163 की सीरीज तक भी पहुंच चुका है। और यूएसटीसी की बात करें तो यहां पे 0.048 डॉलर की सीरीज में ट्रेड कर रहा था, जो कि नीचे जाके प्राइस का ऑलमोस्ट 0.035 की सीरीज में ट्रेड कर चुका। आप वहां पे मार्किंग देख सकते हो। बाय करने का सबसे अच्छा पॉइंट यहां पे रहेगा कि पहले आप थोड़ा सा एक्युमुलेट कर सकते हो 0.301 की सीरीज में, क्योंकि यहां पे काफी बड़ा सपोर्ट लेवल है। इससे भी नीचे प्राइस जाता तो आप यहां पे 0.301 की सीरीज पे एक्युमुलेट कर सकते हो। हालांकि मेरा खुद का ओपिनियन है, ना कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। उसके बाद यहां पे लूना क्लासिक का बर्न देखो तो ऑलमोस्ट 85 बिलियन माइनसोल हिट कर चुका, जो कि पहली बार हुआ। यहां पे बाइनेंस जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट के ऑलमोस्ट 43.6 बिलियन लूना क्लासिक जो है टोटल बर्न जो है बाइनेंस की तरफ से हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 51% जो बर्न है बाइनेंस ने किया है। और साथ ही साथ यहां पे लूना क्लासिक कम्युनिटी वैलिडेटर प्रोजेक्ट मेंबर सबको मिलकर बर्न करते हैं। जैसे कम्युनिटी की बर्न की बात करते हो ऑलमोस्ट 200 मिलियन यूएसटीसी पर बीक उन्होंने भी बर्न किया है। इससे क्या हुआ कि जो लूना क्लासिक का जो कॉइन मार्केट कैप में रैंकिंग था वो भी ड्रॉप हो चुका ऑलमोस्ट 60th प्लेस में, और यहां पे यूएसटीसी जो है 129th प्लेस पर रैंक करता है। कि लूना क्लासिक की प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1801 की सीरीज में ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम में काफी बड़ा यहां पे गिरावट दिनों मिला, ऑलमोस्ट 513 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम है, जो कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन भी क्रॉस कर चुका था। अभी तो यहां पे काफी लोग ह्यूज अमाउंट में सेल कर रहे हैं, मार्केट का प्रेशर काफी ज्यादा, तो यहां पे कुछ भी चीजें करना अभी आपकी काफी रिस्की होगी। आप थोड़ा वेट करो, मार्केट एनालाइज करो, उसके बाद आप कुछ देख सकते हो। वीडियो तक तक गाइस वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।